सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टैलेंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक नए एप्लीकेशन के बारे में, जो कि आपको थंबनेल को देख के पता लग गया होगा क्या है। इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बिना स्किप किए आपको एंड तक जरूर देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर और वहाँ पर जाके आपको टाइप करना होगा। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद टाइप करेंगे आप, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा अभी नेट स्लो चल रहा है। जैसे प्ले स्टोर ओपन होता है अपने को टाइप करना है ऊपर इसके अंदर प्ले इट के नाम से सर्च कर देना है। जैसे प्ले इट के नाम से सर्च करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको सामने दिखाई देने वाला है, ये वाला प्ले इट का ऑप्शन होगा। तो ये डाउनलोड कर लेना है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है और ये फिलहाल अपडेट मांग रहा है, लेकिन मैं अभी इसको अपडेट नहीं करूँगा। मैं पहले आपको डायरेक्ट इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे क्या ओपन करना है। तो ये डाउनलोड हुआ है मेरे पास, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है। तो इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी क्या नए फीचर्स आए हैं। सबसे पहले ऐसा ऑप्शन आएगा, उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद में ये आपको ट्यूटोरियल दिखाई देगा इसकी स्क्रीन पर, आप यहाँ पर 2K, 3K, 4K MP सब में चला सकते हैं। इसके अंदर 3GB MP4, इसके अंदर बैकग्राउंड प्ले भी कर सकते हैं, पॉपअप विंडो भी प्ले कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं MP4 वीडियो गानों को MP3 के अंदर, और भी बहुत सारे इसके अंदर आपको फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। स्टार बटन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद ये सब आपके सामने शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर। तो जैसे ये वीडियो प्ले हो गया तो आप इसको यूँ यूट्यूब की तरह मोबाइल स्क्रीन पर भी ले सकते हैं और इसको यहाँ से ऑप्शन करके इसको साइड भी कर सकते हैं। ये सब सामने होने के बाद आपको एक बेहतरीन ऑप्शन जो इसका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगा है वो ये है कि इसके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर ये यहाँ पे माइक का निशान दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सेव भी MP3 में कर सकते हैं। यहाँ पे सेव MP3 दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से ये सेव हो जाएगा और वापस इसको बैक टू वीडियो में भी जा सकते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन एक ये है कि इसको पॉपअप विंडो में भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि आप पॉपअप विंडो देख रहे हैं, ये अलग से पॉपअप विंडो यहाँ पे चलती रहेगी और इसके अलावा आप यहाँ पे प्ले भी कर सकते हो। ऐसे करके आप इसको प्ले करने के बाद देख सकते हो। ये सब होने के बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसको वापस फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आप इसके अंदर वॉल्यूम सेट करने के लिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिए गए हैं, इसको ऑन कर लेना है यहाँ से और उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम को अलग अलग मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन पहले से सेट किए गए हैं, उनके अलावा आप अपने हिसाब से भी सेट करते हैं। नीचे साइड में बेस बूस्टर आपको दिया जाएगा, इसको यहाँ से ऑन कर लेना है या कम बत्ती कर लेना है। नेक्स्ट इसको ऑफ कर देना है अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। ऑफ करने के बाद इसको यहाँ से बैक कर देना है। पैक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी वीडियो यहाँ पे ऑडियो वीडियो कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स और भी इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि स्पीड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिया जाएगा, ये स्पीड का ऑप्शन है, इसके अंदर आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड के अलावा यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन दिया जाएगा, ये बीच में इसको आप छोटा बड़ा स्क्रीन कर सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ आपको अलग अलग समझा दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर 3 डॉट के निशान पर क्लिक करके और भी इसके अंदर रिमाइंडर वगैरह, नाइट मोड के वगैरह और डिकोडर के वगैरह जो भी लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।